में सत्ताईस तारीख गए का महीने एक इंसिडेंट हुआ था, चोरी हुआ था, उसमें आधा तोला गोल्ड रिंग, सिल्वर चेन, सिल्वर रिंग, चार वॉचेस और 15,000 रुपये कैश गया था। एक कंप्लेंट आते ही हम लोग एक एफआईआर बना दिया 489 ऑफ 2021 सेक्शन 450 में एक केस बना। बनने के बाद हमारा डीआई राजेंद्र महिला जोन समिति डीआई और डीएसआई दोनों अच्छा उसमें इन्वेस्टिगेशन करके एक मोहम्मद कमील अलियास अजहर को पकड़ा गया। पहले 8 दिन में हम लोग इसको पकड़े। पकड़ने के बाद यह ओवाईसी अंसारी रोड का रहने वाला है, ये इसको पकड़ के हम लोग इंट्रागेशन करने के बाद ये केस के अलावा और दो केसेस भी इससे निकला। अब ये इससे पहले गए तो साल अगस्त में 16 तारीख को भी एक केस हुआ था, वो 763 ऑफ 2020 बोलकर हमारे पास केस रजिस्टर हुआ। उसमें सिल्वर लेग चेन 10 तोला का, नेट कैश 10,000 रुपीज, ब्लैकबेरी फ़ोन, स्मार्ट वॉच, डिजिटल रिस्टवॉच, पेन ड्राइव, पावर बैंक, एमएक्स पैक, ये पूरा निकल के गया था। और एक नवंबर 2020 में भी एक क्राइम करा है, उसमें तो 4.5 लाख रुपए का और 2 तोला गोल्ड, ये भी पूरा ये 3 केसेस वो कन्फेस करा। इसमें से हम लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी रिकवर करें, एक सिल्वर चेन, सिल्वर रिंग और वॉचेस, और पुराना केसेस में 2,50,000 रुपया और 1.5 तोला गोल्ड, और एक केस में 8,000 रुपया, एक वॉच, ब्लैकबेरी सेलफोन, ब्लूटूथ कम पावर बैंक, ये पूरे हम लोग इससे बरामद करें। करने के बाद ये मोहम्मद कमील और अजहर अलियास अजहर लेट मोहम्मद पाशा सनाफ 27 ईयर से ये सेल्समैन का काम करता, ये ओवाईसी संसारी रोड मुस्तफ़ा नगर में रहता मैलारपल्ली। इसको हम लोग अब रिमांड कर रहे हैं आज, ये पूरा रिकवरी करने के बाद ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में हमारा महिला जोनपल्ली डीआई राजेंद्र गौड़, डीएसआई कुमार और राघव रेड्डी हेड कांस्टेबल, भीमय्य, चंद्रशेखर, मोहन, यादय्य, सुरेश, श्रीनिवास, स्वर्ण कुमारी, ये पूरा कांस्टेबल नागराजु, महेश, राजा राव, शेख बजाज, शेख रजाक, ये पूरे लोग अच्छा बहुत अच्छा काम करने से ये हम लोग ये हासिल कर सके, इसको पकड़ा सके और 3 केसेस में निकल गया। हम उन लोगों को बधाई दे रहा है। अब हम लोग आज इसको हम लोग रिमांड कर। सर ये प्रीवियस केसेस कौन से पीएस लिमिट्स के हैं? ये ओल्ड सिटी के केसेस में हमारा महिला पर पीएस केसेस में भी है, ओल्ड केसेस में वो लोग का ये डिटेक्ट हुए 3 महिला दंपल। हाँ, 3 पे महिला दंपल। एमओ क्या है अभी? घर तो 4 వాచ్లు 258,000 రూపాయల క్యాష్, 1.5 తులా గోల్డ్, పవర్ బ్యాంకులు, బ్లాక్బెర్రీ సెల్ ఫోన్, ఇక్కడ మిత్రుపజ్ఞాన్ని కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. అతన్ని మేము ఈరోజు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ పంపిస్తున్నాము. ఈ కేసు కాగానే చాలా ప్రాంప్ట్గా యాక్షన్ చేసి ఇంత ఎగ్ డోస్ అంటే లాస్ట్ అతను చేసిన ఎగ్ డోస్ లోపలనే